आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। तीन कृषि कानूनों के बनने के बाद से ही किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का आंदोलन चलते हुए करीब 120 दिन हो गए हैं। आज किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा चक्का जाम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भी किसानों ने दो अलग अलग जगह चक्का जाम किया है, जहां किसान सड़कों पर बैठ गए और वाहनों को निकलने नहीं दिया। किसानों ने आर्मी में मेडिकल से जुड़ी समस्या वाले लोगों को रास्ता दिया, जिससे ऐसे लोगों को इस चल रहे चक्का जाम से राहत मिले। तो वहीं हमारे संवाददाता ने जब किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे देश की सरकार गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, जो पिछले 120 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज यह चक्का जाम का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था, इसलिए हमने हापुड़ के दो अलग अलग जगह भी चक्का जाम किया है और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से देश में केवल किसान परेशान नहीं है, चाहे वो मजदूर हो या ट्रक ड्राइवर हो, सभी लोग इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। किसान का साफ तौर पर कहना था कि अगर सरकार बिल वापस नहीं करती है तो किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी और आगामी होने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा, जहां किसान गैर भाजपाई प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा को हराने का काम करेगी। आलम टाइगर के साथ नदीम की रिपोर्ट। रामपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो चक्का जाम है ये आपका, ये कब तक ये चक्का जाम रहेगा और क्या आपकी मांगे हैं? सरकार की गलत नीतियों के कारण ये चक्का जाम हो रहा है। सरकार ने जो नीति बनाई है, कानून बनाए हैं, वो गलत बना रही है। किसान की बात छोड़ के चलो, आप आम जन समस्या बन गई है, क्योंकि जब जमीन नहीं रहेगी, खेती नहीं रहेगी, तो जो है आम जनता को जो है पैकेट में रोटी और उस तिजोरी में बंद करके ये लोग जो है देना चाहते हैं। पैसा नहीं रहेगा तो भूख को जो है आदमी मरेगा। ये जन समस्या है, आम जनता की समस्या है, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है। तो आज आपका यहाँ क्या प्रोग्राम था? आज प्रोग्राम ये हमारे जो राष्ट्रीय संदेश था कि भी जो है भारतवर्ष में जो है पूरा बंद रहेगा 26 तारीख को, तो संयुक्त मोर्चे का ऐलान था और उसी के कारण जो है यहाँ हम लोग जो है बैठे। तो आज आपने यहाँ क्या किया? यहाँ जो है अपने यहाँ की जिले में जो है हमारे जिले में दो जगह है। देखा जा रहा है कि व्यापारी आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, दुकानें खुली नहीं, व्यापारी की दुकान भी बंद हो जाएगी, वो आएंगे समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो है इतने सक्षम नहीं है दुकान पर, जो मजदूर समझो उसको भी जी, वो सुबह से शाम तक जो है रोजी रोटी की तलाश में निकलता है, निकल करके जो है 10 रुपये 20 रुपये कमा करके अपने बच्चों को पालता है, उसकी क्षमता नहीं है इतनी। मजदूर आदमी सुबह निकलता है वो भी हमारे साथ है। आपके द्वारा होली भी खेली गई है? हाँ, होली भी खेली गई है और जो है आपने देख रहा है प्रोग्राम, होली का बम बज रही है, सब लोग जो है अपने धैर्य शांतिपूर्ण से बैठे हैं। नेताजी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप धरने पे बैठे हैं तो राजनीतिक पार्टी भी इसमें साथ दे रही है? नहीं नहीं, राजनीतिक पार्टी हमारे यहाँ आपने देखा कोई है तो नहीं जी, सब किसान है, मजदूर है और जो है सब आपस में भाई भाई है। और हम राजनीतिक पार्टी में हमें ये कहना है जी, राजनीतिक समर्थन करती हैं वो करें ना, जंतर मंतर पे करें, वो आंदोलन करें अपना, बैठे जंतर मंतर पे, बैठे डीएम के यहाँ, यदि उन्हें समर्थन करना है तो करें। लेकिन ये सब एक चट्टी बट्टी के थैले हैं, या संसद में कोई बिल।